और मैं किसी राजनेता का नाम अपनी जुबान पर लेने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि जब 60 साल बाद इस देश को गर्त में ले जाया जा रहा है तब किसी का नाम लेना जरूरी हुआ। तब मैं आप सबकी तालियों के बीच में, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैंने जीवन में कभी भी अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बेंगलोर की जमीन पर मैं वो कहने जा रहा हूं जो मैंने कभी नहीं कहा कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में, इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरह खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंक की अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो, अरे जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना, जरूरत पड़े। और तालियां आपने थोड़ी पहली बजा दी, क्योंकि अगले वाली लाइन इससे भी खतरनाक है और उस पर लगे आपको कि मैंने 100 करोड़ लोगों का दर्द 2 लाइनों में कहा है, तो एक एक आदमी 2 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाना कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में, इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंक की अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो, अरे जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना, और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना, 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। हाँ जी